हेलो दोस्तों, एडी स्टॉक न्यूज़ में दिल से स्वागत है आपका। चलिए बेहतर तरीके से जानते हैं बाजार के एक्सपर्ट का क्या कहना है इस स्टॉक को लेकर। बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और गुजरात गैस तेजी के कॉल्स थे। मेट्रोपोलिस एक सेल आइडिया आता हुआ और टाटा मोटर्स इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव। और मेरे ख्याल से वो 600 के टारगेट, और वैसे साहब 600 बोले थे ना आप, 600 एग्रेसिव टारगेट आते हुए अवस्थी साहब की तरफ से, बढ़िया। 600 तो ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड हो गया। अवस्थी साहब, ये तो बड़े एग्रेसिव हो गए आप टाटा मोटर्स पे, सारा नया पैसा यहीं झोंक रहे हो क्या आप? नहीं, हमारे पीएमएस में भी है वैसे स्टॉक, लेकिन मैं काफी टाइम से अग्रेसिव हूँ। मुझे लगता है काफी ज्यादा नेगेटिव प्राइस्ड इन है, और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट आता है, जो जेएलआर वाला पोर्शन है उसको भी, जो वैल्यूएशन लगभग बीएमडब्ल्यू वगैरह के साथ में मिल रही है, वहां पे जैसे जैसे ग्रोथ आती है तो मुझे लगता है वहां से भी वैल्यूएशन अपटिक आ सकती है। तो कुल मिला के तीनों सेगमेंट्स काफी पॉजिटिव रहने चाहिए। हालांकि जेएलआर ही डोमिनेट करता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स, सीवीज, ये सब सेगमेंट जब एक संग सेटल होके एक दिशा में मूवमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में जो रिवाइवल देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली नंबर्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नहीं ठीक है, काफी मूविंग पार्ट्स हैं टाटा मोटर्स को लेकर। यूके के